बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपका सात लोगों के बीच 15 मिनट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो यानी कि 40 सीरीज। चलिए, हम लोगों का हाफ सेंचुरी तो नहीं लेकिन उसके नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग। और मैंने जैसे कमिटमेंट भी कर रखा है कि 40 के बाद 50 तक हम जब पहुंचेंगे तो उसके बाद कुछ हम वगैरह पढ़ाएंगे लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे यानी प्रैक्टिस सेशन आएंगे। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं। और आईक्यू सीरीज का 13वां सीरीज है, तो चलिए पहले आपका इडियम्स का टेबल आपको सिखाया है। तो पहला आपके पास में है ऑल ए वॉक, क्या लग रहा है कुछ बता सकते हैं तो बताइए, नहीं कुछ नहीं समझ में आया तो चलिए ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया फिर से, यानी आप ये वर्ड देख करके कैसे हो रहे हैं सॉफ्ट। ये क्या लिख दिया आप, ये वॉक का मतलब है कुछ हमको डिक्शनरी में आज तक मिला, इसका मतलब क्या हो गया अमेज्ड, अचंभित रह जाना, भौचक्का रह जाना। क्लियर, नेक्स्ट ऑल एंड सन्ड्री, देखिए कोई बच्चे इसको बोल रहे थे गलती से सुंदरी, हमको हेल्प मिल गया उनका कमेंट से, सब आ सकते हैं, सुंदरी भी आ सकती है सुंदरा भी आ सकता है। कहने का सेंस क्या है कि बिना भेदभाव के सबको बुलाया है हमने। क्लियर, विदाउट दिस डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के। चलिए हो गया आंसर ई, डिस्टिंक्शन मतलब होता ही है अंतर भी होता है, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन मतलब अच्छा मार्क्स भी होता है, आप लोग सुने होंगे मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जब 75 से ऊपर आते हैं बिहार में, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो डी लगा देते हैं यहाँ के एग्जाम जो कंट्रोल करने वाले हैं। तो ऑल एंड सेंट्री का मतलब बिना भेदभाव के सब लोग। ऑल मून साइन, क्या समझ में आया, कुछ नहीं छोड़ते हैं बात। ऑल हैज अ रॉकेट, झोपड़ी है और एक भी जानवर नहीं, हो सकता है ऐसा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कैसा है, मनगढ़ंत है। तो क्या, जहां झोपड़ी होगी वहां पे गाय भैंस हो नहीं है, तो क्या हो रहा है ऑल हैज एंड नो कैट, यानी कैसी बात, मनगढ़ंत कहानी, क्या हो जाएगा कंकॉक्टेड स्टोरी, नॉनसेंस, मनगढ़ंत बात। ऑल इयर्स, ऑल मतलब कितना, दो, क्योंकि काम तो दो ही होता है, तो टू इयर्स नहीं होता इडियम्स, क्या होता है ऑल इयर्स, ऑल इयर्स का मतलब है दोनों काम खुले रखना, यानी कैसे रहना अटेंटिव रहना, क्या होता है आंसर ए। तो बताइए जी तीन के लिए बच रहा है क्या, सामने सामने बोस्टफुल फिर लो। तो ऑल मून साइन, करता है कोई व्यक्ति की जानते हैं, रात में तो चांद चमकता ही है दिन में भी चमकता रहता है, यानी वो कैसी बात कर रहा है, डी आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ वो दूसरे ग्रह पे होगा तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, ब्लैक फॉक्स, आप देखो काला जो होता है रंग उसको अशुभ मानते हैं कुछ लोग, है ना, अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे अमेरिका में ब्लैक शब्द का कितना विरोध हुआ है ना, तो ब्लैक फॉक्स का मतलब हो रहा था ऐसा बैल जो कोई अपने घर में रखना नहीं चाहेगा, कैसा चीज, दुर्भाग्य, तो ब्लैक फॉक्स का मतलब दुर्भाग्य, ऑप्शन डी। चलिए ब्लैक शीप, देखो अब ये उसको कहा जाता है जो किसी घर में रह तो रहा है लेकिन उसके घर में उसका इज्जत नहीं है, या तो वो अपने गलत कामों के वजह से झुंड से बाहर है, जैसे सीप मतलब झुंड में रहने वाला जानवर, लेकिन ब्लैक सीप का मतलब भाइट से ब्लैक है वो, उसको झाट के रखेंगे तो इसका मतलब है कि वो गलत चीज के लिए क्या है, रिपुटेड है, इसी को कहते हैं क्या कलंक, कलंक मतलब पर्सन विद बैड रिपुटेशन। चलो हो गया, अब देखो यहां से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ब्लैक आउटवर्ड जो है ये भाव सेंस में जाएगा, तो भाव सेंस में जाएगा, चलो इसको भी बात भी करेंगे, जैसे यहां तीन को बारे में किए थे पहले आ गया है। ब्लो बर्न स्टॉप, टॉप का मतलब सिर, सिर्स यही सेंस, अगर मेरा खुद का सिर फिर गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, एंग्री, या तो लॉस कंसेंस भी हो सकता है, अब यही चीज हमको समझना है कि क्या होना चाहिए। चलिए वो देखते हैं, इसको भी छोड़ते हैं अभी, पहले 10 देख लेते हैं। ब्लो बर्न ऑन ट्रम्पेट, सबको पता है अपनी दफली अपना राग, अपनी बढ़ाई शुरू कर लो, यानी क्या हो गया बी। चलो अब हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं कि ब्लैक आउट का मतलब क्या हुआ और ब्लैक बर्न स्टॉप का मतलब क्या हो गया, तो खुद यहां से लग रहा है ना कि खुद का आपा खोना ही सही है, तो क्या होगा लॉस कॉन्शियसनेस, आपा खोना, और ब्लैक आउट का मतलब गुस्सा दिखना, जब काले बादल आसमान में छाते हैं तो देखते हैं पूरी तरह से एकदम दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल हो जाता है, तो हम कहते हैं लगता है भगवान को ज्यादा ही गुस्सा हो गया।
चलो ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, रिवीजन करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ मेरे को। अब इसी तरह से हम 11 से 15 आपको पहले मीडियम से सिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल इन, कुछ को तो लग रहा होगा कि सर इन के बाद कुछ लिखना भूल गए, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं आप कि ऑल के बाद इन लिखे हैं सर, लेकिन आप लगता है थक गए थे क्या, उसके आगे कुछ लिखते ना, थक गए थे आप क्या? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑल इन का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हम लिखे हैं, यानी लगता है हम क्या हो गए थे, थक गए थे। इसका मतलब ये होता है ऑल इन मतलब एग्जॉस्टेड। अब देखो समझाते हैं सेंस के, ये तो एक बार आप मैंने सिखा दिया, याद ही रहेगा। क्या होता है ना कि ऑल का हिंदी सब, इन मतलब में, तो आप क्या कहते हैं मेरे पास तो जितना था सब मैंने उसी में लगा दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, मैं थक चुका हूँ, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, पापा गुस्सा हो कैसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है पापा थक चुके हैं एग्जॉस्टेड। अब देखो अगर कोई आदमी कहता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं अब बनाना वाल लगाइए, अब कहेंगे कि यार कहाँ से मिलेगा, इसका मतलब जो मैंने आपसे बात कही वो इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर से मैं कैसी बातें कही, नॉनसेंस। ठीक है, तो बनाना वाल का मतलब हो गया बेतुकी बातें, नॉनसेंस। अगला है कूल वंज हिल्स, आप हिंदी में सुने होंगे इंतजार करते करते मेरे पैर ठंडे पड़ गए, इंतजार करते करते मेरा पूरा का पूरा पैर भर सा गया है, भरा सा गया है, इसका मतलब बहुत लंबा इंतजार करवाना, तो कूल वन हिल का मतलब ये होता लंबा इंतजार करवाना, केप्ट वेटिंग पास्ट की बात है क्योंकि इंतजार करने के बाद ही इंसान बोलता है ना, इसलिए पास्ट सेंस में जाएगा। हर क्यूलियन टास्क, अब मैंने कहा है कि तुम रिलेट करो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या नहीं हो तो सुने होंगे हर और बैल, उसको मगही भाषा में हम लोग कहते हैं हर और बैल, मगही भाषा में हम लोग कहते हैं हर बैल, तो हर का मतलब हर। अब हर चलाने वाला काम कैसा काम, बहुत मुश्किल काम, आसान मत कर देना, डिफिकल्ट टास्क। तो हर बिलियन टास्क यानी मुश्किल कार्य जिसमें बहुत श्रम हो। इन द गुड बुक ऑफ संबंध, किसी के साथ अच्छा संबंध, किसी के साथ आपका किताब बहुत अच्छा है, यानी आप किसी के साथ लिखा पढ़ी करते हैं और उसे हिसाब किताब करके पैसे लेन देन करते रहते हैं, तो इन द गुड बुक का मतलब होता है अच्छा संबंध, to have a good relation, have मतलब रखना होता है, ठीक है, तो किसी के साथ अच्छा संबंध होना। तो चलिए अब हम ये टेबल वाला सिस्टम आपको हटाते हैं ताकि हम इन सब शब्दों को समझा सके। चलिए अब देखिए बार बार मैं सिखाता हूँ, पिछले सेशन भी मैंने कहा था कि आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन डेट एक्सटेंड होते हैं तो बोले दीजिए, आप स्टूडेंट हैं, एक किसान का काम खेती करना, एक स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना, एक टीचर का काम पढ़ाना, ये होता ही है, इससे हमें लगे रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहनी है। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से करते हैं आपके पास पहला OWS। देखो यहाँ ऊपर ही मैंने हिंदी इसका लिख दिया ना कि भक्ति साइड हम एक सेशन में पढ़ाए थे कि किसकी हत्या होती है, फॉक्स की। अब पूछ रहा है कि लेपी साइड किसकी, लेपी साइड यूपी साइड सॉरी एलयूपीआई है, किसकी होती है, वुल्फ की। तो लिख दो यहां से केले आ वुल्फ। ओके चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। अब देखो किसको ये पता है कि हर का मतलब क्या होता है, हरा हरा घास या हर्ब्स, एच आर बी एस आर बी बोरस पढ़े थे सर, तो हर्ब का मतलब ये होता है हरा चीज, तो क्या हो जाएगा केले के डेस्ट्रॉइंग लिख देते हैं इस बार, डेस्ट्रॉइंग हर्ब्स एच ई आर बी एस, हरे भरे चीजों को खत्म करना, क्या होता है हर्बिसाइड। देखो अगर आपने पढ़ा था थोड़ा सा साइंस या तो बायोलॉजी या तो आपने डॉक्टर वगैरह के बारे में सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट याद है, जो औरतों का क्या होता है डॉक्टर होता है, यस तो आपको याद है तो ठीक हो गया, किसका क्लिक हो गया यहाँ पे साइड है तो मदर ऑफ वोमैन, आपको मदर ऑफ मैन मैं पढ़ा चुका हूँ, मदर ऑफ वोमैन यहाँ पे हुआ। चलो तो ठीक है, तो मैं पूछ देता हूँ आपसे, जरा कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ कि वोमैन का क्लेम क्या यूज किया है हम लोग, जी एन सॉरी जी हाँ बाई था जी बाई एन ए ई सी आई टी, तो आपको बताना है कि मैन का क्या होता है, जाके देखो कौन से सेशन में पढ़ा है, रिविजन में ये होता है, मुझे आंसर बता देना, ठीक है
कमेंट सेक्शन का पोस्ट हो गया, सीएस क्यों लिखता है कमेंट सेक्शन पोस्ट। चलिए यहां से आते हैं, अब तो जिगांटिक का मतलब तो आप सीखे थे ना, जिगांटिक मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े बड़े जैसे डायनासोर्स वगैरह ये बहुत बड़े जीव थे। अभी कुछ दिन पहले फिर वायरल हो रहा था छोटा सा वीडियो क्लिप, मैंने भी शेयर किया था, पता नहीं चल रहा है वो डायनासोर है या कोई बस एक बनाया हुआ कुछ है, लेकिन लग रहा था वैसा। तो ऐसे बड़े बड़े विशाल जीवों की हत्या होता है जिगांटिक साइट, क्या हो जाएगा मदर ऑफ जी आई जी ए एन टी आई सी और उसके बाद क्रिएचर लिख दो। चलो अब हमारे पास बचा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक पड़ जाते हैं इसमें है ना, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब तो आप समझते हैं किसमें पाई जाती है, चींटियों में ना, तो हो गया चींटियों की, तो क्या होगा किलिंग आंट्स, ठीक है किलिंग आंट्स, चींटियों को मार डालना क्या होता है आपका, तो फॉर्मिंग साइड होता है। चलो अब यहां से आते हैं। अच्छा फ्रेजर वर्ब सीखने का तरीका था कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स रखें पहले, चलो ऑब्जेक्ट ही रखते हैं। डू अवे विद बैड हैबिट्स को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो वही लिखते हैं डू अवे विद क्या चीज, बैड हैबिट्स यानी छुटकारा पाना, छुटकारा पाने को इसमें क्या कहते हैं ई रेडी गेट, ठीक है डू अवे विद। और फ्रेजर वर्ब अगर सीखोगे ज्यादा विस्तार में तो आपको डू अवे विद के अलावा मिलेगा डिस्पेंस विद, डिस्पेंस्ड विद ये भी मिलेगा। चलो अगला चलते हैं, पुट ऑफ हम लोग सीखे थे मीटिंग या मैच को, रिपीटेड है क्योंकि हम एसवी बक्सी के अकॉर्डिंग दिए थे कुछ रिवीजन राउंड वाला, मीटिंग या तो कोई मैच क्या हो जाता है पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है आप इसी को क्या करते हैं डिले भी कर सकते हैं। या फिर जब हम एक और पढ़ाते सी से याद होगा आप सभी को कॉल के साथ में क्या लगाते थे, चलिए कॉल के साथ भी ऑफ लगा देते हैं। आप बताइए कोरोना वायरस का इंपैक्ट कभी ना कभी क्या होगा, खत्म होगा, यानी हम इस पे क्या पाएंगे विजय पाएंगे, इसी को कहते हैं क्या गेट ओवर, क्या चीज की बात मैंने की बीमारी पैंडेमिक ये सब चीजों के यूज होता है। तो गेट ओवर का मतलब उबरना, उबरना को इसमें कहते हैं ओवर कम, ठीक है ओवर कम, तो गेट ओवर का मतलब होता है उबर करके उससे निकलना आगे। नेक्स्ट देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती करते हैं बच्चे, अगर हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हम गलती करते हैं और देख रही है मम्मी की हम गलती कर रहे हैं फिर भी नहीं पीट रही, आप कहेंगे सर वो तो आपकी मम्मी होगी, हम लोगों की तो बहुत पीटती है, सबकी मम्मी पीटती है, लेकिन क्या होता है ना कि पापा कई बार इग्नोर करते हैं, पापा नहीं कुछ बोलते हैं क्योंकि जान लेते हैं कि मम्मी अकेले काफी है। चलिए तो प्लान टू मिस्टेक्स लिख देते हैं यहाँ पे चाइल्ड्स मिस्टेक, कि ठीक है आपका बच्चा है और आप उसकी गलतियों के प्रति आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं उदासीनता दिखाना या लापरवाही दिखाना, और इंग्लिश होता है आपके पास में टू बी इंडिफरेंट, टू बी इंडिफरेंट, ठीक है उदासीन बने रहना यानी कि लापरवाह बने रहना। देखो आपको सर ये तो मुझे पहली बार मिल रहा है, तो मान लेते हैं कि आपको पहली बार मिल रहा है तो साइनोनिमस से बना लेते हैं पहले आपको ना इक्वल टू, अकेन टू मतलब इक्वल टू, आप कहोगे तब तो मुझे सिमिलर टू भी याद आ रहा है, तो याद आया तो लिख दो ना, ठीक है यानी अकेन टू का मतलब क्या हो जाता है एक जैसा। तो ये था आपका 14th सीरीज और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 39th सीरीज में भी मैंने कहा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे रिपीट करना रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ओके okay?